आज हम यहाँ पर 21 जून 2024 को जो योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं, उसके बारे में जो यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, हमारे बाजू में बैठे हुए हमारे आयुष के सेक्रेटरी वैद्य राजेश जी कोटेचा, उनके बाजू में बैठे प्रोफेसर डीजी पीआईबी, मेरे बाजू में बैठी डीडीजी आयुष, श्री मीडिया एडवाइजर आयुष के सभी हमारे एक्सपर्ट पर बैठे हुए सभी अधिकारीगण और मीडिया के मेरे सभी बंधुआ एवं सब सम्मानित पत्रकार, आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा के 10वें पड़ाव के वैश्विक कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। हमने आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के जुड़ी दो विशेष लॉन्चिंग भी की। पहली प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक, जिसे बच्चे सरल भाषा में और आकर्षक चित्रों के माध्यम से योग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा जो है ब्रेन लिपि में कॉमन योग प्रोटोकॉल बुक, जो हमारे नेत्रहीन साथी अब इस पुस्तक का उपयोग कर योग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही बुक लॉन्च योग की शैक्षिक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रयास है। पिछले दशक में एनडीए सरकार ने योग को न केवल एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि पूरी दुनिया में योग को जनमानस की जीवन शैली में शामिल करने का काम किया है। योग जीवन को एक गहन अनुशासन प्रदान करने के साथ साथ दैनिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने अवसर भी प्राप्त होता है। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभा में की गई अपील के बाद 11 दिसंबर 2014 को सर्वसम्मति से प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रण लिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक महत्वपूर्ण राजनयिक विजय थी। इस प्रयास ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कल्याण व्यवस्था के रूप में पहचान भी दिलाई। मित्रों, आप सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उद्देश्य से पहले ही परिचित हैं, पर मैं एक बार फिर से संक्षेप में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में कुछ स्वस्थ मन, स्वस्थ चेतना और स्वस्थ शरीर से जुड़े विशेष पहलू शामिल है, जिसे योग का प्रसार करना, ध्यान का विकास करना, स्वास्थ्य लाभ करना, तनाव प्रबंधन करना, प्रकृति के साथ संबंध बनाए रखना एवं सामुदायिक संबंध स्थापित करना आदि है। हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान पीढ़ी को स्वास्थ्य परंपरा के इस प्राचीन अभ्यास से परिचित कराया जाए। इस पद्धति का उपयोग कर युवा, प्रौढ़ व वृद्ध सभी अपनी शारीरिक बीमारियों और मानसिक तनाव को कम करने के साथ भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य जाति, धर्म, भाषा और देशों की सीमा से आगे निकलकर संपूर्ण विश्व को एक स्वास्थ्य सुरक्षा और लाभ के एक सामुदायिक प्रयास से एक धागे में बंधना है। योग को सरलता और उसके दीर्घकालीन लाभों के बारे में पूरे विश्व को अच्छी तरह से सूचित करना हम भारतवासियों का कर्तव्य है। विश्व भर में योग के व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देना ही हमारा वैश्विक उद्देश्य है। मित्रों,
वर्ष 2015 में प्रति वर्ष यह दिवस अलग अलग स्थानों में अलग अलग थीम व विशाल जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में राजपथ से शुरू हुआ यह सफर शांति और सद्भाव के लिए योग थीम के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें करीब 35,985 लोगों की भागीदारी रही और 84 राष्ट्र शामिल हुए। इसके बाद चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, रांची दो वर्ष वर्चुअल मोड में भी, और फिर मैसूर, और पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में यह वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं ये मानता हूँ कि आपके संज्ञान में यह लाना आवश्यक है कि पिछले 10 वर्ष में हमने 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में राजपथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ योग का अभ्यास करते हुए कुल 35,985 भारतीयों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा कुल 84 देश के प्रतिभागियों ने एक ही स्थान पर योग सत्र में हिस्सा लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2023 में विश्व भर में कुल लगभग 23.4 करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी विशाल सहभागिता दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सोशल मीडिया पर अपने संदेश के माध्यम से सभी लोगों को अपने दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने योग के विभिन्न लाभों, खासकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए योग द्वारा शांति और साहस प्रदान करने की क्षमता पर जोर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मुद्राओं और उसके लाभों को प्रदर्शित करते हुए एक विस्तृत योग वीडियो जारी किया है, जिससे कि राष्ट्रों को एक इस विशेष दिन के लिए प्रेरित किया जा सके। अपनी परंपरा के अनुसार आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2024 का भी आयोजन कर रहा है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार योग के अभ्यास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और इसके विस्तार में असाधारण प्रयासों को वैश्विक मान्यता देता है। दो पुरस्कार भारतीय संगठनों को दिए जाएंगे, जबकि दो पुरस्कार भारतीय या विदेशी मूल वाले संस्थानों को भी दिए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माई गवर्नमेंट एवं माई भारत पोर्टल पर 30 जून 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा इस वर्ष योग विद फैमिली वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वयं और समाज के लिए योग के महत्व को उजागर करना है। इस प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और लोगों के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की गई। दुनिया भर के प्रतियोगी भारत सरकार के माय गवर्नमेंट एवं माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मंत्रालय द्वारा योग के क्षेत्र में तकनीकी और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के माय गवर्नमेंट एवं माय भारत पोर्टल पर योग टेक चैलेंज का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य उन ऐसे स्टार्टअप या व्यक्तियों की पहचान कराना और बढ़ावा देना है जिन्होंने योग से संबंधित उपकरण, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण उत्पाद विकसित किए। मैं यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधु से भी आग्रह करूँगा कि उपर्युक्त वर्णित कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं आदि के बारे में हमारा संदेश जनमानस तक पहुंचाने में हमें सहभागिता दी। साथियों, इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक योग फॉर स्पेस
नामक एक अनूठी पहल का भी आयोजन कर रहा है, इससे कि सभी वैज्ञानिक और अधिकारी एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करेंगे। गगनयान परियोजना की टीम भी इस मौके पर योगाभ्यास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक अभियान में अपना साथ देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसके सफल समापन पर अब सभी प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।